नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित चंदोला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ट्रिपिटिक में। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट एविएशन क्रैशेस में। दोस्तों हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते रहते हैं कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड साइड हो रहे हैं, सीवेज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पर एक्सीडेंट्स एयरवेज में भी होते हैं। हाँ, उतने कॉमन नहीं होते, पर जो हुए हैं वो इतने डेडलीस्ट और इतने कॉस्टलीस्ट हुए हैं कि उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता और ना ही उनका आंकलन हो सकता है। तो बढ़ते हैं आज की एक्सपेंसिव फ्लाइट क्रैश। नंबर वन, एयर इंडिया फ्लाइट 182। कितना बड़ा डाइस हो रहा है ना इंडियंस का कनाडा में, मतलब कौन नहीं जाना चाहता कनाडा हो आया है ये। कुछ ऐसा ही सपना लेकर मॉन्ट्रियल कनाडा से आ रहे थे एनआरआईस वाया लंदन। तारीख थी 23 जून 1985। लंदन से फ्लाइट कंटिन्यू होती मुंबई और फिर दिल्ली के लिए। 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स थे इस बोर्ड में। एक एक्साइटमेंट थी कि अब अपनी फैमिली और रिलेटिव से मिलेंगे, पर कुछ स्पेयर इंजर्स की इंस्टॉलमेंट की वजह से 40 मिनट्स का डिले हुआ फ्रॉम द डिपार्चर टाइम फ्रॉम टोरंटो। तो फ्लाइट निकली 1:24 पर, लेकिन ठीक 5:45 बाद अटलांटिक ओशन से 31,000 फीट ऊपर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और हुआ भी लंदन पहुंचने से 45 मिनट्स पहले। तो विंग स्टाफ ने देखा कि कुछ धुआं आ रहा है इमरजेंसी एग्जिट डोर से, लेकिन इससे पहले कुछ एक्शन हो पाता तब तक ये सानियो ट्यूनर के अंदर बना बम जो कि सूटकेस में छुपाया गया था एक्सप्लोड हो गया और इसने सभी 329 पैसेंजर्स की जान ले ली। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सिख मिलिटेंट ग्रुप बब्बर खालसा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुई घटना की वजह से इसे अंजाम दिया। दोस्तों ये आज तक कैनेडियन हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट विमान घटना बोली जाती है और शायद रोंगटे खड़े हो जाएं, पर इस एक्सीडेंट को अगर आप आज की डेट में इन्फ्लेशन में देखेंगे तो लगभग $5.6 मिलियन की ट्रेजडी हुई। नंबर टू, फ्लाइट MH370। गाइस, एक ऐसा इंसिडेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस और कॉस्टलीस्ट ट्रेजडीज में आता है। तो मलेशिया एयरलाइन का प्लेन था बोइंग 777, इसने उड़ान भरी। दिन था 8 मार्च 2014 का। ये फ्लाइट बीजिंग चाइना पर थी और इस प्लेन में ऑलमोस्ट 239 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग 12 बोर्डिंग स्टाफ थे। अपने एयर रूट में अचानक ये विमान डेविएट हो गया ड्यूरिंग अ पास अवे टू वियतनाम और कुछ ही टाइम में ये मिलिट्री रडार से भी बाहर हो गया। पर सोचने वाली बात ये है कि फ्लाइट चेक से पहले कोई भी फंक्शनिंग रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस प्लेन में मोस्टली चाइनीज सिटीजन्स ही ट्रैवल कर रहे थे। बहुत से सर्च ऑपरेशन चलाए गए पर थक हार कर मलेशियन गवर्नमेंट और दूसरी सपोर्टिंग गवर्नमेंट ने अपना ऑपरेशन रोक दिया। यहाँ तक कि $56 मिलियन एडिशनली लगे थे इन ऑपरेशंस पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। आज सिर्फ थ्योरीज हैं लोगों के पास। कोई कहता है कि लास्ट टाइम इंडियन ओशन में देखा गया था ये प्लेन, तो कोई कहता है स्कॉट मॉरिसन PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि पायलट का ये आत्मघाती हमला था। एनीवेज Our condolence is with those passengers. पर दोस्तों mysterious flight crash के साथ साथ ये flight costliest flight भी कही जाएगी, बल्कि इतना बड़ा नुकसान की कोई comparison ही नहीं। Even Malaysian Airlines का official message आया जिसमें उन्होंने कहा कि 443 million ringgit यानी कि कहें 137 million US dollar एक quarter में उनको एक खर्चा उठाना पड़ा, और साथ ही साथ reasons भी बहुत बड़े थे। देखिए, अकेले चाइना से 60% sales decrease हो गई, जो कंज्यूमर बिहेवियर था वो शिफ्ट हो गया था, जो एग्जिस्टिंग बुकिंग्स थी उन्होंने भी कैंसिल कर दिया क्योंकि एक खतरा या कहें एक ट्रस्ट इश्यू आ गया था और हिल गया था मलेशियन स्टॉक एक्सचेंज। 2008 एंडरसन एयरफोर्स बेस B2 एक्सीडेंट। दोस्तों एयरक्राफ्ट्स महंगे होते हैं, मतलब इनकी प्रोडक्शन में जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है, पर कई बार इतनी कीमती चीजों पर बैठने की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है। अब आप देख लीजिए, फरवरी 3, 2008 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। US Air Force का स्टील फाइटर जेट बॉम्बर जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ कंसास रन अवे कर रहा था, पर जैसे ही इसने एंडरसन फाइटर बेस गुआम से टेक ऑफ किया वैसे ही गेम ओवर। पर ऐसा हुआ क्यों, मैं भी रफ डिटेल्स ही आपको दे सकता हूँ क्योंकि अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री की इंटरनल रिपोर्ट है ये। उससे पहले दोस्तों आप सबसे जानना चाहूंगा कि एविएशन एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, मतलब क्या रीजन हो सकता है इनका। वेल, मल्टीपल रीजंस होते हैं। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, या फिर प्लेन रडार से बाहर चला गया हो और चट्टान से टकरा गया हो, या फिर फ्यूल प्रॉब्लम, फायर एमिशन और भी एंडलेस रीजंस होते हैं। पर स्पिरिट ऑफ कंसास के क्रैश होने का रीजन था कि टेक ऑफ से कुछ टाइम पहले ये खतरनाक बारिश में भीग चुका था
जी हाँ, अब जिसकी वजह से जो पानी एयर स्पीड कंडेंसर के अंदर था वो आ गिरा और प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स के अंदर कंडेंस हो गया। इसलिए टेक ऑफ होने के बावजूद B-2 स्टील्थ बॉम्बर जा गिरा रनवे पर और देखते ही देखते हो गया ब्लास्ट। पर द गुड थिंग इज दैट दोनों पायलट्स को माइनर इंजरीज आई और वो बच गए। अब यहाँ लाइफ ट्रेजेडी तो नहीं हुई, पर जो नुकसान हुआ उसका कोई आंकलन नहीं। Guys, the spirit of Kansas was and still the costliest stealth bomber जो क्रैश हुआ और जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्स को $1.4 billion का नुकसान हुआ, या कहें जिसकी आज की डेट में इन्फ्लेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ₹1,260 crore। सो इवन विदाउट जीरो फैटलिटीज एंडरसन एयरफोर्स क्रैश आज तक का सबसे महंगा एयरफोर्स एक्सीडेंट है। मिल MI-26 हालो हेलीकॉप्टर। दोस्तों छोटे से ही ना जो हेलीकॉप्टर्स है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगते थे। मतलब उसकी लैंडिंग, उसका एग्जीक्यूशन, उसका उड़ने का तरीका तो शायद एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बट देर इज नो डाउट कि ये भी वल्नरेबल होते हैं ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, इंटरनल फेलियर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आज भी बास्केटबॉलर अपने कोबी ब्रायंट का हेलीकॉप्टर क्रैश का इंसिडेंट सुन लेता हूँ ना तो यार हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना भूल जाता हूँ। बट अभी बात करेंगे इसकी। तो मिल MI-26 हेलीकॉप्टर था, इसके बारे में इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं। वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री रशिया, वर्ल्ड के बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर रशिया, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी व्लादिमीर पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, लेकिन साथ ही साथ रशिया के पास था वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मिल MI-26 हालो। ये रशियन आर्म फोर्सेस का हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर की एवरेज पैसेंजर कैपेसिटी तो एक कम्यूटर एरोप्लेन से भी ज्यादा थी, बट 19th अगस्त 2002 को इतनी अनडिस्ट्रॉयबल चीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। वेल, थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका भी आपको बता दूं। तो एक चेचेनिया प्रोविंस है जहां मेजोरिटी लोग मुस्लिम्स हैं, ये रशिया में है। तो वहां की कुछ सेपरेटिस्ट ने मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम से, वो रॉकेट लॉन्चर नहीं होता जो, ठीक उससे ग्रोजनी सिटी ऑफ चेचेनिया में MI-26 हालो को माइनफील्ड में गिरा दिया। 140 रशियन सोल्डर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये हेलीकॉप्टर एविएशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर है। वेल, इस डिजास्टर ने रशियन डिफेंस सिक्योरिटी को सामने ला दिया था, उसकी वीकनेस को, और इवन पुतिन गवर्नमेंट पर भी प्रेशर क्रिएट कर दिया था। बट फाइनली सर्च ऑपरेशंस के कुछ टाइम बाद ही 27 साल के ग्रोजनी रेजिडेंट जो कि एक भटका हुआ नौजवान था उसको पकड़ लिया गया, और जिसने ये सब प्लॉट कर रखा था उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। पर इस एक्सीडेंट का रशियन आर्म फोर्सेस पर इतना असर पड़ा कि अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर डिस्ट्रक्शन से 184 crore rubles का नुकसान हुआ, या जिसे बोले $25 million का ओवरऑल नुकसान हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना 4 बिगेस्ट एविएशन क्रैशेस ऑफ द वर्ल्ड। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए ट्रिपिटिक के साथ।